हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो है स्टूडेंट वीजा के ऊपर, जिसको हम F1 वीजा भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे हैं कि जो F1 वीजा पे USA आना चाहते हैं, तो ये वीडियो वो सब स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है। अगर आप USA आने का सोच भी रहे हो ऑन F1 वीजा, आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। जो व्यूअर मेरे चैनल पे नए हैं, मैं आपको मेरा क्विक इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मेरा नाम कृणाल पटेल है। मैं USA 2016 में आया था। मैंने USA में अपना मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस के अंदर, एंड फ्रॉम 2018 टिल टुडे आई हैव बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि USA जाना है ऑन F1 वीजा, क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप USA आना चाहते हो ऑन F1 वीजा, आपके पास FD होना चाहिए। अब आप लोग हंस रहे होंगे, आप लोग बोलेंगे FD मतलब फिक्स डिपॉजिट का USA वीजा में क्या लेना देना है। सही बात है, FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं, FD का मतलब है फाइनेंस एंड डेडिकेशन। हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फाइनेंस के ऊपर बात करेंगे एंड डेडिकेशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंस के ऊपर। सो आपको ऑब्वियसली फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है USA कितना एक्सपेंसिव कंट्री है। और ऐसे एक्सपेंसिव कंट्री में अगर आप मास्टर्स करने के लिए या बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो, तो ऑब्वियसली महंगा तो पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि फाइनेंस तो पता है जरूरत तो पड़ती है, बट कितना रुपया खर्चा होगा USA जाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको टू टाइप्स ऑफ फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। एक जो है वो है लिक्विड कैश और दूसरा है स्टूडेंट लोन। अगर मान लो कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो ऑब्वियसली यहाँ की जो स्टूडेंट्स फी रहती है, जो ट्यूशन फी रहती है, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मार्केट में स्टूडेंट लोन अवेलेबल होता है। तो मैंने US में जो भी स्टूडेंट्स देखे हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट लोन पे ही पढ़ते हैं। अब लिक्विड कैश आपको क्यों जरूरत पड़ेगा? लिक्विड कैश मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो लिक्विड कैश इसीलिए चाहिए क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम की फीस रहती है वो महंगी होती है। उसके बाद अब जब यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन फी रहता है, जब वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो वीजा फी रहता है, जब वीजा मिल जाएगा उसके बाद आप फ्लाइट की टिकट बुक करोगे, प्लस आप अपना शॉपिंग करोगे, तो ये सब जो खर्चा है उसके लिए आपको लिक्विड कैश होना जरूरी है बैंक अकाउंट में। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा बिफोर कमिंग टू USA। अब जैसे हम फाइनेंस की बात कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा हो सकता है कि मैं USA जाऊं, USA में यहाँ पे आके कोई जॉब कर लूंगा पार्ट टाइम, और उससे मेरा ट्यूशन फी या कॉलेज की फी निकल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पार्ट टाइम से आपको जो भी पैसे आप कमाओगे, वो पैसे आपको रेगुलर एक्सपेंस में लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका रेंट हो गया, आपका ग्रोसरी हो गया, तो ये सब जो बेसिक एक्सपेंस होता है, जो रिकर्सिव एवरी मंथ एक्सपेंस होता है, तो वो सब आप कवर कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब करके। ये तो बात हो गई फाइनेंस की। अब हम दूसरी बात करते हैं डेडिकेशन की। मैंने वर्ड डेडिकेशन इसीलिए चूज किया बिकॉज ये पूरा प्रोसेस जो है, अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हो USA आने के लिए, तभी आप USA आ सकते हो। USA आना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बस जो भी स्टेप्स वो लोगों ने डिसाइड किए हुए हैं, वो हर एक स्टेप्स के लिए आपको पूरा मेहनत करना है, एंड यू कैन इजीली कम टू USA फॉर योर मास्टर्स। ओके, सो अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 एग्जाम देनी है। सबसे पहला है GRE, जिसको बोलते हैं हम ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, वो है मैथ्स प्लस वर्बल का एग्जाम, प्लस आपको देना है IELTS और TOEFL। तो आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, और इंडिया में बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस चलते हैं कि जहाँ पे वो लोग आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, तो आप वो ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। और मान लो कि आपने 2 एग्जाम दे दिया एंड यू गॉट अ गुड स्कोर, तो एक बार अच्छा स्कोर आ गया, तब जाके आपका सेकेंड स्टेप आएगा जो है एप्लीकेशन। आपके स्कोर के हिसाब से आपको रिसर्च करना है कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है।
अब आपको क्यों रिसर्च करना है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फी रहता है। तो मान लो कि आपने रैंडमली 5 या 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया और आपको एक भी एडमिशन नहीं मिला, मतलब कि आपका एप्लीकेशन फी पूरा चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं, हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए $100-200 एप्लीकेशन फी रहता है। तो अगर आप इंडियन रुपीज में काउंट करो तो अराउंड 10,000 रुपीज। सो स्टेप टू, आपको रिसर्च करना है यूनिवर्सिटीज के बारे में, कट ऑफ स्कोर के बारे में। और एक बार आपके पास लिस्ट हो जाए कि ओके ये यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरे को एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ स्कोर, तो आपको फिर वो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। जनरली 5 से 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। 2 यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें तो 110% एडमिशन मिलेगा। 2 यूनिवर्सिटी ऐसी पकड़ो कि जिसमें आपके 50-50 चांसेस है, और 2 यूनिवर्सिटी आप ऐसी पकड़ो कि जिसमें आपको पता है कि इसमें एडमिशन मिलना मुश्किल है, बट मे बी अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है बिकॉज ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। एक बार आपका एप्लीकेशन हो गया उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। लेट्स से आपको एडमिशन मिल गया, तो एक बार आपको एडमिशन मिल जाएगा, मान लो कि आपने 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, आपको 3 यूनिवर्सिटीज में से अप्रूवल आया, मतलब वो लोगों ने आपको एडमिशन दे दिया, तो आपके पास 3 I-20s हो गए। बाय द वे गाइस, I-20 मतलब कि अप्रूवल लेटर बोलते हैं। यूनिवर्सिटीज आपको एक I-20 भेजती है जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो मान लो कि आपके पास 3 I-20s हो गए, तो आपको डिसाइड करना है कि ये 3 यूनिवर्सिटी में से मैं कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाऊं। लेट्स से कि आपने एक यूनिवर्सिटी फाइनल कर दिया, सो स्टेप 3 आता है। वंस आपको एडमिशन मिल गया, आपके पास I-20 आ गया, तो आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वीजा के लिए लिक्विड कैश की जरूरत पड़ेगी, तो आप वीजा के लिए अप्लाई करो, उसकी फीस पे करो, और उसके बाद आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि वीजा के लिए 2 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन होती है। सबसे पहला प्रिपरेशन है डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरा प्रिपरेशन है इंटरव्यू प्रिपरेशन। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे प्रोसेस में वीजा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप अच्छे से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो, मेक श्योर कि एक भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए। अगेन मैंने आपको बोला कि इंडिया में बहुत सारी कंसल्टेंसीज है, वो आपको वीजा के लिए हेल्प करती है, जिसमें वो लोग आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराएंगे, वो लोग आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो आप डेफिनेटली वो लोगों की हेल्प ले सकते हो, बट स्टिल दिस इज योर वर्क, यू आर कमिंग टू यूएसए, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन की। वीजा इंटरव्यू में मोस्टली आपको ये प्रिपेयर करना है कि आप जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके बारे में आपके पास कितना नॉलेज है। वीजा ऑफिसर मेक श्योर करेगा कि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है जो यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया, आपने ये प्रोफेसर क्यों चूज किया, आपने मान लो कि आप टेक्सास आ रहे हो तो आपको पूछेगा कि व्हाई टेक्सास, कैलिफोर्निया क्यों नहीं, फ्लोरिडा क्यों नहीं, या शिकागो क्यों नहीं, और आपने टेक्सास ही क्यों चूज किया। तो ऐसे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए अगेन आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, एंड आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जो भी एरिया में जा रहे हो, उसके बारे में आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स सब कलेक्ट किए होंगे, तो 110% आपका वीजा इंटरव्यू हो जाएगा अच्छे से, एंड यू विल गेट अप्रूवल। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक एक मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाता है। एक बार वीजा आपको मिल गया, फिर तो फ्लाइट टिकट लेना है, शॉपिंग करना है, एंड यूएसए आ जाना है। सो दैट्स इट। बहुत सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बट ये वीडियो में मैं जस्ट आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता था। अगर आपने ये वीडियो देखा है, मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन है, आपको इन डिटेल कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जानना है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, एंड मैं 110% आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज मेरा एक ही इंटेंशन है, जो भी स्टूडेंट्स यूएसए आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करना, और यही ये चैनल का मेन पर्पज है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है और आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड एंड यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।